in this video we will discuss the topic demand pull theory of inflation basically it is the keynesian theory of inflation and this is part 1 of this theory or sorry part 2 of this theory part 1 is the keynesian view on inflation and part 2 deals with demand pull theory of inflation so what is demand pull theory according to shapiro edward shapiro was professor at the university of toledo where he was professor of economics in 1960, from 1967 to 1989

डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है दैट इज़ द एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई सप्लाई जितनी अवेलेबल है उसके कंपैरेटिव अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ेंगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन और यू कैन से एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई

Suppose these are the axes. The axis here. Now, horizontally, we are taking commodities, suppose X commodity, X good, and vertically its price.

यहाँ पर एक सपोज ये दीवार है जिसके राइट हम नहीं जा पाएंगे तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे बट इसके राइट हम नहीं जा पाएंगे दैट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग यू कैन से फुल एम्प्लॉयमेंट लिमिट एंड मार्केट में जो कमोडिटीज़ होती हैं जनरली जो ड्यूरेबल हैं उनकी एक मिनिमम प्राइस फिक्स की जाती है सपोज इट इज़ पी वन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ज़ीरो प्राइस पर तो नहीं मिल सकती उसकी कोई ना कोई प्राइस तो होगी ही कमोडिटी की सपोज़ दैट दिस इज द पी वन इसका मतलब ये हुआ कि लोअर टू पी वन नथिंग इज़ सप्लाईड अगर प्राइस पी वन से कम है तो कुछ भी सप्लाई नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लिमिट आ गई एक बाउंड्री आ गई कि हम इसके नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्रोड्यूसर ने यह डिसाइड किया है शट डाउन पॉइंट के बेस पर होता होगा या कुछ भी कि इसके नीचे हमने कुछ भी मार्केट में सप्लाई नहीं करना तो सप्लाई कर्व इसके नीचे नहीं होगी और यहाँ तक सप्लाई कर्व पॉजिटिव हो सकती है इस पोर्शन में सपोज जो जनरल सप्लाई कर्व होती है लाइक दिस दिस इज द पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व पर यहाँ पर आके क्योंकि हम और राइट नहीं जा सकते आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते इस दीवार को हमने टच कर लिया इट मीन्स यहाँ पर आकर सप्लाई कर्व हो गई हमारी वर्टिकल क्योंकि इसके राइट हम नहीं जा सकते और अगर हम इसके नीचे को आए तो इससे हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी ये लिमिट आ गई तो दिस इज़ द लोअर लिमिट यू कैन से जिससे नीचे कुछ भी सप्लाई नहीं किया जाता this is the supply curve. Suppose it is S. Supply curve we made on the basis of minimum price and on the basis of maximum output that we can produce this is the supply curve. Now suppose initially this is suppose demand that is डी वन डी वन इज द डिमांड एंड यू कैन सी दिस इज द इक्वलिब्रियम ई वन एंड प्राइस पी वन नो सपोज डिमांड इनक्रीजेस फ्रॉम डी वन टू डी टू डिमांड जो है वो डी वन से बढ़कर डी टू हो गई दिस इज न्यू क्वलिब्रियम ई टू बट प्राइस इज सेम बिकॉज द सप्लाई इज परफेक्ट एलास्टिक हेयर और कमोडिटी ज़रूर इनक्रीज़ हो गई क्वलिब्रियम की क्वान्टिटी दिस वॉज इनिशली एक्स वन नाउ इट इज़ एक्स टू तो डिमांड के इंक्रीज होने से राइट right शिफ्ट होने से प्राइस सेम रहा क्यों सेम रहा बिकॉज द सप्लाई ऑफ दिस गुड अप टू दिस पॉइंट इज़ परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा सप्लाई है डिमांड बढ़ने से सप्लाई में भी उतना ही आगे हम शो हो रहे हैं तो कोई प्राइस में चेंज नहीं आया बट इसके बाद अगर हम देखें when demand rises increases from suppose d2 to d3 job demand d2 se badkar, d3 we this is new equilibrium suppose e3 now you can see that price rises from पी वन टू पी टू प्राइस इंक्रीज़ हो गया एंड दिस इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सपोज एक्स थ्री तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई सप्लाई क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक नहीं है तो डिमांड पुल हो गई डिमांड ने इंक्रीज होने से प्राइस को भी अपनी तरफ पुल कर लिया इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे ये मान लो प्राइस है ये मान लो डिमांड है तो जैसे ही डिमांड को हम खींचेंगे तो इसके साथ मान लो ये जुड़ा हुआ है तो जैसे ही हम डिमांड को खींचेंगे तो प्राइस भी साथ में खींच जाएगी जैसे ये है पुल जैसे हम किसी डोर को खींचते हैं अपनी साइड वहाँ लिखा होता है पुश पुल तो ये पुल वाली एग्जांपल है कि जैसे ही हमने डिमांड को अपनी साइड खींचा तो वहाँ प्राइस भी उसके साथ जुड़ी हुई थी तो प्राइस भी साथ ही खींच की डिमांड वाली साइड डिमांड इंक्रीज़ हुई तो प्राइस भी साथ ही साथ इंक्रीज़ हो गई बट दिस इन प्राइस इज नॉट परपोर्शन टू डिमांड डिमांड की परपोर्शन ये नहीं है क्योंकि सप्लाई भी थोड़ी बढ़ रही है एंड इफ यू फर्दर इक्रीज डिमांड अगर हम डिमांड को और ज्यादा बढ़ा दें अप टू दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सपोज दिस इज डी फोर दिस इज़ द इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी एक्स फोर दिस इज ई फोर एंड नाउ सेम प्राइस राइज फ्रॉम पी टू टू पी थ्री प्राइस जो है वो पी टू से बढ़कर पी थ्री हो गई एंड दिस इज द इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी जो कि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करती है तो अब अगर और डिमांड इंक्रीज हो जाए एनी फर्दर इंक्रीज इन डिमांड सपोज डी फोर टू डी फाइव तो अब क्या होगा सप्लाई ए सेम दिस इज न्यूक्लिब्रियम ई फाइव सप्लाई वही है एक्स फोर सप्लाई राइट नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट बट इन हेयर सप्लाई लाइन इज परफेक्ट इन इलास्टिक यहाँ पर थी ये परफेक्ट इलास्टिक जितनी मर्जी हम बढ़ा सकते थे यहाँ पर है परफेक्ट इन इलास्टिक जिसको हम नहीं बढ़ा सकते तो इट मीन्स वैन डिमांड इनक्रीज फ्रॉम डी फोर टू डी फाइव प्राइस इंक्रीजेज प्रपोर्शनेटली टू

P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4. This दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन इट्स डायग्रामेटिक तो अब Keynesian व्यू जो है जो फर्स्ट पार्ट में है वीडियो के वो क्या है कि इस लाइन से पहले बिफोर दिस लाइन अगर हम इसको एक बाउंड्री बना दें दिस इज़ द फुल एम्प्लायमेंट लेवल तो इस लाइन से पहले जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ इस साइड भी अगर हम रखें यहाँ तक ये यह हमारा केन्स का बॉक्स बन गया तो यहाँ तक जो प्राइस राइज हुआ पी वन टू थ्री दिस इज़ नोन एज सेमी इन्फ्लेशन क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइस भी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई दिस इज़ द सेमी इन्फ्लेशन और इसको हर घर हम और भी छोटा कर लें बॉक्स को तो हम ये पोर्शन भी छोड़ सकते हैं ये पोर्शन भी हम छोड़ सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर सप्लाई थी परफेक्ट इलास्टिक तो सिर्फ ये पोर्शन ही बना जिसमें सप्लाई कर्व है पॉजिटिव स्लोप तो इस पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी और उसको हम कहेंगे सेमी इन्फ्लेशन बट इस साइड पर इस साइड पर जब डिमांड बढ़ेगी फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो इसको हम कहेंगे ओपन इन्फ्लेशन दिस इज द Demand pull inflation. Now, what are the causes of demand pull inflation? Demand pull inflation, Hogi? तो डिमांड सिंपल कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी डिमांड के बढ़ने से तो एक्चुअली ये कॉज जो हैं ये कॉज डिमांड के बढ़ने के ही हैं कि डिमांड क्यों बढ़ेगी तो डिमांड क्यों बढ़ेगी देर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ द डिफरेंट इकोनमिस्ट इन केस ऑफ क्वान्टी थ्योरी ऑफ मनी इनका जो व्यू है क्वान्टिटी ऑफ मनी के ऊपर हमने अलग से वीडियोज़ बनाए हुए हैं आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो इनक्रीज क्वान्टिटी ऑफ मनी लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल तो इनका जो मानना है क्वान्टिटी थ्योरी वालों का वो ओपन इन्फ्लेशन वाली बात ही करते हैं इस पॉइंट के बाद वाली फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कि इसके बाद जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी मनी सप्लाई बढ़ने से मान लो बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी मनी सप्लाई बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मनी सप्लाई जब बढ़ेगी लोगों के पास पैसा आएगा लोग सारा पैसा खर्च करेंगे क्योंकि मनी का एक ही काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी तो जब लोग अपनी मनी को स्पेंड करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ नहीं सकती बिकॉज ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट तो प्रपोर्शनेटली प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मनी की क्वांटिटी इट मीन्स मनी की सप्लाई तो इन्होंने मनी की सप्लाई को मेन कारण मानना है डिमांड के बढ़ने का देन केन्स इन थ्योरी वैन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई तो किसी भी कारण से जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से तो होगी इन्फ्लेशन जिसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड वट इज द मॉडर्न क्वानिटी थ्योरी ऑफ मनी This theory is given by Milton Friedman. According to this theory, Milton Friedman, Milton Friedman was an American economist who received the 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his research on consumption analysis, monetary history, and theory and the complexity of stabilization policy. Friedman's challenges to what he later called naive Keynesian theory began with his 1950s reinterpretation of the consumption function. So Keynes, um, Friedman has modern quantity theory. According to this theory, the main cause of demand-pull inflation is excessive increase in supply of money compared to demand. तो क्वान्टिटी थ्यूरी ऑफ मनी का ही मॉडर्न वर्जन है इन दोनों का एक ही मानना है कि मनी सप्लाई बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ती है डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिस वॉज ऑल अबाउट द डिमांड पुल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन फॉर कैन्स व्यू ऑन इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशनरी गैप For demand pull inflation with the help of ISLM, for cost push inflation, for cost push inflation with the help of ISLM, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.